This is Vinod Kumar Verma. Today, in this video, we are going to learn present perfect continuous tense. In our previous videos, we have already learned present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and now today we are going to learn present perfect continuous tense. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. Let's know the definition of present perfect continuous. सबसे पहले हम इसका definition लिखते हैं. देखिए present perfect continuous tense का definition क्या होता है. A part of verb. A form of verb that denotes an action that denotes an action that denotes an action which begin in the past. In the past and a stance continue at the time of a speaking at the time of a speaking is called perfect continuous tense. देखिए क्या था, a form of verb that double लिखा गया है ना, एक यहां कट कर देना, a form of verb that denotes an action which began in the past and a stance continue at the time of speaking is called present perfect continuous tense. देखिए क्या कहता है कि a form of verb that means क्रिया का एक रूप, क्रिया का वह रूप जो दिखाता है, शो करता है, सूचित करता है कि एक्शन जो है यानी काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी बोलते वक्त, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मींस बोलते वक्त वो काम जारी है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है. जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि हम लोग इस गांव में 20 वर्षों से रहते आ रहे हैं या रह रहे हैं, मतलब पास्ट में हुआ, रहने का काम शुरू कब हुआ, पास्ट में, और अभी भी जारी है. जब बोल रहे उस समय भी हम लोग यही रह रहे हैं, है ना. जैसे अगर हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि I have been teaching for 10 years, यानी कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता आ रहा हूँ. आज से 10 साल पहले काम शुरू किया था, यानी कि पास्ट में काम हुआ शुरू, और अभी देखिए बोलते वक्त जारी है. अगर ऐसा बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं, ऐसे वर्ब को जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है. तो चलिए अब हम इसे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और जानेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस. तो स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट Has oblique have. Has या have दोनों में से कोई एक according to the subject यूज होगा. उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें been लगाना है plus before यूज करना है, यानी कि verb plus ing. उसके बाद क्या करना है, object लिखना है plus, आपको यहां देखिए इसमें क्या है कि समय इस पे जरूर दिया जाएगा, इस tense का ये खासियत है. तो इसमें हम क्या करेंगे, since या हो, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, प्लस लास्ट में टाइम लिख देंगे, और प्लस अगर कॉम्प्लीमेंट है तो यहां लिख देंगे COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट होता है, जॉब में लिख दिया मैंने. कॉम्प्लीमेंट मींस इतना के अलावे अगर सेंटेंसेस में कुछ है और भी तो लास्ट में उसे क्या करना है, आपको एड कर देना है और इस हिसाब से आपको बनाना है. तो चलिए लेते हैं इसका एग्जाम्पल. अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे
वी हैव बीन, वी के साथ हैव आएगा क्योंकि वी जो है ये प्लूरल फॉर्म है, तो वी हैव बीन, वी हैव बीन रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स। जैसे मैंने एक सेंटेंस इस तरह ले लिया कि वी हैव बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स, हम लोग दो घंटे से पढ़ रहे थे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट डालना है तो डाल सकते हैं। वी हैव बीन रीडिंग अ बुक कर सकते हैं फॉर टू आवर्स, तो ये आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसे नहीं लिखेंगे। बाकी यहाँ हमने क्या किया, लिखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब जो है हैव बीन आएगा यहाँ जैसे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है, आई एन जी डालना है और इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। तो ये देखिए इसमें एक जानने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज जो है इस टेंस का यही है कि हम कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ फॉर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम इसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, उसके बाद इसे डिस्कस करेंगे कि कहाँ हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब लेते हैं नेगेटिव का। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हैज ऑब्लिक हैव, दोनों में से कोई एक यूज करना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ही वर्ड का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि हैज हैव प्लस वर्ड उसके बाद भी लगेगा, बीन यहां इसके बाद लगना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हैज हैव प्लस नॉट तब भी आएगा, उसके बाद फिर यहाँ क्या करेंगे, बिफोर लिख देंगे प्लस, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देंगे प्लस, सिंस लिख देंगे ऑब्लिक फॉर लिख देंगे प्लस, आप लिख दीजिए टाइम, टाइम प्लस कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख दीजिए लास्ट, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव का। ठीक है, अब इस पर बैठ कर क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए चलिए एग्जाम्पल क्या लेते हैं, नेगेटिव जैसे हम बोलते हैं सी हैज नॉट, सी हैज नॉट बीन राइटिंग अ बुक, सी हैज नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर 10 years, she has not been writing a book for 10 years। जैसे मैंने इस तरह का sentence किया, she has not been writing a book for 10 years, कि वह 10 वर्षों से किताब नहीं लिख रही है, 10 वर्षों से किताब नहीं लिखते आ रही है। तो किसी भी तरह रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह ही बनेगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका negative। ध्यान ये रखना है इसमें, ये देखिए हमने यहाँ फोन का प्रयोग किया क्योंकि ये 10 जो है, ध्यान ये थोड़ा सा भी बता देते हैं कि निश्चित समय है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित है दैट मींस पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर। तो यहाँ क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग हमने यूज किया यहाँ, क्यों, क्योंकि ये 10 years जो है पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यानी कि अनिश्चित है। 10 वर्ष बोले तो इससे कोई पता नहीं चल रहा है कि कब से 10 वर्ष बोल रहे हैं इस तरह से। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव। ओके, तो इसे मिटा रखते हैं ऊपर। चलिए लिखते हैं इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, लेट्स राइट द स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें देखिए क्या करना है आपको, has oblique have, यानी ये पहले लगा देना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, प्लस आपको यहाँ बीन का प्रयोग करना है, प्लस रिपोर्ट, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, यहाँ सिंस ऑब्लिक फोर प्लस, आप यहाँ लिखिए टाइम प्लस कॉम्प्लीमेंट और यहाँ लिखिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लेना जरूरी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, चलिए हैव दे बीन वर्किंग
in this? Have they been working? Have they been working in this factory? Since लगा दीजिए since 1995 यहाँ since क्यों यूज हुआ क्योंकि ये निश्चित समय है इसीलिए हमने यहाँ since का प्रयोग किया ध्यान दीजिए तो क्या कहता है have they been working in this factory since 1995 या क्या वे लोग 1995 ईस्वी से इस फैक्ट्री में काम करते आ रहे हैं दैट में देखिए क्या है कि वो पास्ट में काम शुरू हुआ और अभी भी जारी है तो यही चीज ध्यान में रखना है कि कोई काम जो हम पीछे पास्ट में शुरू किए थे और अभी बोलते वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग ऑन दैट मींस दैट टेंस लाइज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वी मस्ट रिमेंबर दिस ओके ये हमें याद रखना है ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लाई करेगा इसका यही है अब चलते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस ओके इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस देखिए इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस ओके सबसे पहले स्ट्रक्चर फिर उसी तरह से क्या करना होगा हैज हैव पहले हैज हैव पहले लिख दिए प्लस सब्जेक्ट लिखना होगा प्लस इसमें देखिए क्या है नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है उसके बाद बिना है ध्यान रहे कि नॉट से पहले बिना है ये बिन से पहले नॉट आएगा ये बात आपको रखना है ठीक है तो उसके बाद क्या करना है बिफोर लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है ठीक है उसके बाद क्या करते हैं जैसा कि सब में लगा है सिंस फॉर फोर प्लस आपको क्या करना है फिर टाइम लिखना है प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखना है क्वेश्चन मार्क दे देना है तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर देखिए है इसका स्ट्रक्चर होने की कोई दिक्कत नहीं है आप समझ जाएंगे तो आराम से सेंटेंसेस बना सकते हैं और आसान है कोई दिक्कत नहीं है अब लीजिए इसका एक एग्जांपल चलिए देखते हैं तो क्या है हैज सी नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स फ्लावर्स Since morning. क्या वह सुबह से फूल नहीं तोड़ रही है ऐसे क्या वह सुबह से फूल नहीं तोड़ रही है इसका ही नहीं हुआ तो ये हो गए इसके चार स्ट्रक्चर चार सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रो नेगेटिव का अब देखिए अगर इसमें डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना है दिस इज वेरी सिंपल यू कैन ऑल्सो मैच द सेंटेंसेस बाय यूजिंग डब्ल्यू एच वर्ड्स वेरी सिंपल देखिए क्या करना है आपको सबसे पहले यहाँ ये सेंटेंस बनाया ना बस इसी में आप डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दीजिए डब्ल्यू एच कोई भी वाई लगा दीजिए देखिए अगर हम यहाँ वाई लिख देते हैं तो क्या होगा वाई हैज सी नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग तो इसका हो जाएगा कि वह सुबह से फूल क्यों नहीं तोड़ रही है अगर लगा रहे थे वेन हैज सी नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स इन मॉर्निंग कि कब वह सुबह से नहीं तोड़ रही थे जैसे वेयर हैज सी नॉट बीन का भी कुछ भी लगा सकते हैं हाउ ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं आराम से बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं बस आपको सिर्फ इसमें जोड़ देना है तो चलिए अब देखिए हम लोग देखते हैं सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं इसमें यूज होना है सिंस और फोर का प्रयोग करना है तो उसको सीखना है आसान याद रहिएगा कोई दिक्कत नहीं चलिए देखते हैं एक तरफ लिखते हैं सिंस और एक तरफ लिखते हैं फोर सिंस और फोर कैसे यूज करना है सबसे पहले ये तो क्या हो गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएगा निश्चित समय के लिए आएगा और वो अनिश्चित समय के लिए आएगा तो सिंस का प्रयोग देखिए कब करते हैं जैसे मान लीजिए आप करा रहे तो इसको लिखते हैं सिंस जैसे सिंस कोई भी ईस्वी कोई भी अगर ईस्वी आ जाए जैसे सिंस 1995 तो यहाँ से एक समझ रहे सिंस कोई भी ईस्वी का समय आ गया कोई भी टाइम इस तरह रहेगा तो वहां आपको क्या करना है सिंस लगाना है ठीक है ए हो गए उसके बाद सिंस मॉर्निंग लिखना है सुबह है शाम है सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग कर सकते हैं सिंस इवनिंग आप लिख सकते हैं सिंस नून लिख सकते हैं ऐसे करके लिख सकते हैं ठीक है तो सिंस आएगा क्योंकि ये निश्चित समय हो जाता है अब इसमें देखिए सिंस आप तो सिंस कर सकते हैं सिंस टू ओ क्लॉक यानी कि कोई भी बजे वाला टाइम जितना भी आएगा जैसे सिंस फाइव ओ क्लॉक सिंस टू ओ क्लॉक सिंस लगाना है इसमें कोई भी क्लॉक ठीक है अब एक चीज और देखिए
सिंस जनवरी, जैसे कोई भी महीना का नाम है, कोई भी महीना का नाम आ जाएगा, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, ये पूरा टोटल सिंस आएगा, ठीक है। उसके बाद सिंस मंडे, यानी कि डेज, कोई भी डेज का नाम आ गया फिक्स करने में इसमें, तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, आप सिंस लगाएंगे, ये भी सिंस लगता है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से सिंस लगा के हमने देखा। अब देखिए फोर क्या करते हैं, फोर कहाँ लगाते हैं, ये सब निश्चित समय हो जाते हैं, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं फोर थ्री आवर्स, जैसे बोले तीन घंटे से, पांच घंटे से, दस घंटे से, बारह घंटे से, किसी भी है ना, किसी भी प्रकार का इस तरह से, जैसे कितने घंटे से, तो क्या होगा, वो फोर लगा के यूज करना है, ठीक है। ये हो गया फोर। उसके बाद देखिए फोर टू डेज, दिन का कोई भी डेज, दो दिनों से, पांच दिनों से, इस तरह डेज कर लेंगे। फोर थ्री मंथ्स, अगर महीना है कोई भी, इतना महीना से, दो महीना, पांच महीना, छह महीना, कुछ भी, तो उसमें भी इसी तरह आपको फोर थ्री मंथ्स, फोर टू मंथ्स, फोर टू ईयर्स, वर्षों, जैसे बोलते हैं दो वर्षों से, पांच वर्षों से, दस वर्षों से, तो भी इसी तरह ही होगा, ठीक है। आवर्स वाला तो आ गया, ईयर्स वाला आ गया, इसी तरह करके जो है क्या करते हैं हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं, मंथ इस तरह होता है, ठीक है। तो ये हो गए, यानी कि ध्यान बस यही रखना है आपको, बस कि जो निश्चित समय होता है, तो ये सब देखिए, ये सारी चीज जो बताया मैंने निश्चित होता है, ये अनिश्चित समय हो जाता है, तो ये सेंसर फोर का प्रयोग बस इसी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में आराम से, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, थैंक यू वेरी मच।